सुबह हो गई दोस्तों और हस्बैंड ने कहा था कि आज संडे है तो पूरा दिन मेरे साथ स्पेंड करना, और वो नाश्ता भी नहीं कर रहे थे, मैंने जबरदस्ती कराया। दोस्तों आज सुबह से ही मौसम काफी सुहावना था और बरसात हो रही थी। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी तो बहुत थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी आ रही थी, पता नहीं क्यों सामने से तो बहुत तेज बरसात हो रही थी। बारिश की आवाज बहुत अच्छी लगती है, कानों को सुकून देती है। जैसा भी मौसम हो अल्टीमेटली मुझे भूख लगा ही देता है, तो मुझे भूख लग रही थी और मैंने मंगा लिया था आज मटन। काफी दिनों की डाइटिंग के बाद आज सोचा चलो खा ही लेते हैं, एक दिन में कौन सा मैं भूल के कुप्पा हो जाऊंगी। लेकिन हस्बैंड ने सख्ती से मना किया था कि मुझे मत खिलाना, क्योंकि पसंद तो उनको भी है। और उन्होंने दो मटन के पीस निकाल के अलग बनाना शुरू कर दिया, दही डाल के, जिसमें कोई भी ऑयल नहीं पड़ा था, हालांकि ये मेरे लिए ही बना रहे थे। हस्बैंड नखरे करेंगे, इसीलिए पहले ही मैंने बना दिया था उनके लिए एग करी। मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था कि लोग इतना खाते हैं, हर समय खाने के बारे में सोचते हैं, और बहुत खाने की वजह से मोटा हो जाता है इंसान, उसके बाद पतले होने के लिए भी कुछ खाने को ही मांगता है कि ऐसा क्या खा लूं कि मैं पतला हो जाऊं, मतलब खाना है तो खाना। खैर जब हस्बैंड ने मना ही कर दिया है इसको चखने से भी, तो मैं बनाऊंगी अपनी मर्जी से। मतलब इसे कायदे से नमक मिर्च में मैरिनेट कर लिया और उसके बाद तैयारी करने लगी इसको फ्राई करने की। वैसे तो इसे कूटने का भी प्रोसेस होता है, लेकिन इतना तामझाम कौन करे, इसीलिए जल्दी जल्दी इसे मिक्स किया और तलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तो कुछ भी ज्यादा तेल में फ्राई करने से मुझे बड़ा डर लगता है, हर बार मेरे हाथ जल जाते हैं। और मैं ताजुब करती हूँ कि जो मम्मी लोग होती हैं, इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी, ये लोग तो हाथ डुबो डुबो के तेल में खाना बना लेती हैं। कैसे कर लेती हैं दोस्तों, इतना सुपर वुमन कैसे होती हैं। मेरी सासू माँ तो पूड़ी या पकौड़ी कुछ भी बनाती हैं तो हाथों से ही डुबो डुबो के तलती हैं और वैसे ही निकाल लेती हैं, चमचे की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। और मैं यहाँ पे छोटा सा आलू भी फ्राई करती हूँ, डोसे डाल के भाग जाती हूँ 1-2 किलोमीटर दूर। खैर इसे भी मैं ऐसे ही फ्राई कर रही थी, डाल डाल के भाग रही थी, वो दिख नहीं रहा होगा। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा कि आप तो सिर्फ चिकन मटन अंडे ही खाती हैं, क्या आप बोर नहीं होती। तो मैंने इसे समझाया कि भैया आजकल सब्जियां इतनी महंगी है कि मैं चिकन मटन ही खा रही हूँ, क्या करूं। फिर उसने मुझे बोला कि हाँ आपकी बात में तो दम है मैम, मैं इसे फॉलो करूंगा। दोस्तों मुझे कुकिंग हमेशा से ही बहुत पसंद रही है, और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मैं छोटी थी तो मैं खेलती थी किचन सेट के साथ। वो तो बस एक खिलौना होता है, छोटे छोटे से बर्तन होते हैं, लेकिन उन खिलौनों में भी मैं असली खाना बनाती थी। लेकिन मैं ऐसी कोई अनोखी नहीं हूँ, बहुत सारे बच्चों ने भी ये ट्राई किया होगा। और यहाँ बन गया हमारा मटन जो हस्बैंड नहीं खाएंगे, उनकी प्लेट तो अलग लगी है, आप देख सकते हो किनारे। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा देसी हूँ और मुझे देसी खाना पसंद है, देसी तरीके से रहना पसंद है, और ऐसे रहने में ही मेरी आत्मा को शांति मिलती है। आप लोग भी ऐसी रहा करो। खैर लंच करने के बाद मैं आ गई खिड़की के पास, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी बरसात हो रही थी। बैठ के देख रही थी, कोई शोर शराबा नहीं, बस बारिश की आवाज। मन तो कर रहा था बाहर जाऊं, लेकिन हस्बैंड आवाज लगा रहे थे कि आओ जल्दी मूवी देखें, क्योंकि हमारा मूवी का टाइम हो रहा था। तो पूरे दिन खाने पीने और मस्ती में हमारा दिन निकला, और आज के लिए इतना ही। अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू।